वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, आज हम दुबई मॉल आए हैं काफ़ी टाइम बाद। ये दुबई मॉल में एक टूब का एरिया है। आज मेरा भांजा जो है वो समझे कुछ एक हफ्ते पहले वो दुबई आए हैं, तो आज उनको दुबई मॉल घुमाने के लिए लेकर आए। हाँ भाई, अली भाई, वालेकुम अस्सलाम। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, क्या एक्सप्रेशन हैं आपके दुबई आने के बाद? और अभी तो एंटर हुए हैं, तो देखिए डायनो का स्केलेटन लगाया हुआ है इन्होंने। तो आपको कराची से दुबई आने के बाद कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है? बेहतरीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है छोटी सी जन्नत में आ रहे। हाँ भाई, अली भाई क्या कहते हो, कैसा लगा ये एक्वेरियम? और ये ऊपर देखो, ऐसा लग रहा है आसमान पे तारे चमक रहे हैं, तारे जमीन पर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो हमजा भाई, बुर्ज खलीफा देखने के बाद क्या एक्सप्रेशन है आपके, क्या फरमाते हैं? गलत हो गया, सॉरी, अभी दोबारा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, ये अली भाई हमारे साथ कराची से आए हैं। ये अभी कितने दिन हो गए कराची से आए हैं? भाई दो दिन हो गए। चलो अच्छी बात है। और ये बुर्ज खलीफा घूम रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? देखो बिल्डिंग ये ख़त्म ही नहीं होती यार, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बिल्डिंग है। मज़ा आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, ये दुबई मॉल के अलबेक पर आ गए हम, और तवक्का के मुताबिक बहुत ज़्यादा रश है। माशाल्लाह रश बहुत होता है, लेकिन इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है, ये जो है ना हर बंदा यहाँ आता है। हाँ भाई, अली भाई। जी भाई, अलबेक की लाइन में लग के आपको कैसा लग रहा है? बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। बड़ा, यहाँ भी ये भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो अलबेक आप फर्स्ट टाइम खाने के लिए आए हैं यहाँ पर? हैं फर्स्ट टाइम खाने के लिए। चले टेस्ट करते हैं फिर कैसा है। हाँ तो ये काफ़ी देर मेहनत के बाद हमारा नंबर आ गया। हमजा, जल्दी से पेमेंट करिए, आगे जाइए। देखिए ये यहाँ का माहौल है, पूरा फूड कोर्ट का भरा हुआ है। आज संडे है और सबसे ज़्यादा रश जो है वो ये अलबेक पर ही है। ओ हो हो हो, बड़ी मुश्किलों से हमारा ऑर्डर आया। ये तो कोल्ड ड्रिंक है, ये आ गए दो बंद। तो ये हमारे दोस्तों, ये हमारे चिकन नगेट्स आ गए हैं, ये बेबी नगेट्स हैं हमारी बेबी के लिए। ये एक्स्ट्रा फ्राइज मंगाए हैं, ये चिकन ब्रोस्ट है, ये भी चिकन नगेट्स हैं। अच्छा, एक फ़िश नगेट्स भी थे हमारे, वो ऑर्डर में आए नहीं है, मैं चेक करता हूँ उसका। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो है वो अभी ऑर्डर में हमारा फ़िश नगेट्स नहीं आए थे, तो मैं गया इनके दोबारा काउंटर पर। बहुत रश था, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, और इन्होंने मुझे जो है वो फ़िश नगेट्स मेरे दे दिए। और मैंने इनको पिक्चर वगैरह दिखाया कि भाई ये चीज़ मेरे पास नहीं आई है, लेकिन इन्होंने मुझ पर बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, हम आप पे बिलीव करते हैं, आप बोल रहे हैं तो वो जाहिर सी बातें कम आया होगा। ये जाहिर सी बातें रश की वजह से जो चीज़ ये हो जाती है, और इन लोग बहुत बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं कि ये चीज़ हमें इन्होंने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ तो दोस्तों, ये हमारे चिकन नगेट्स आ गए सबसे पहले, और ये हम कॉकटेल सॉस से लगाते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी होता है ये सॉस, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये वाइट सॉस के साथ भी लगाते हैं। हुँ।
बहुत बेहतरीन टेस्ट है। हल बेक की बात ही अलग है, फिर जैसा टेस्ट आपको ब्रोस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। भाई क्या सुनिए भाजी। हाँ भाई अली भाई, जी भाई क्या कहते हैं आप टेस्ट के बारे में? ज़बरदस्त टेस्ट है, बेहतरीन टेस्ट। ऐसा ब्रोस्ट आपने पाकिस्तान में कराची में कहीं खाया है? नहीं। इसके अंदर जो ये रेड सॉस अंदर से निकलता है, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? एक अलग ही टेस्ट है। अच्छा अच्छा लगा आपको? बेहतरीन टेस्ट है। सेकंड नंबर पे हमारे पास फिश प्लेट आ गया है, ये देखिए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत बेहतरीन, कोई जवाब नहीं है, बहुत आला। ओहो हो बहुत ही हैवी। ओहो मेहर भाई ये देखें, इसमें इन्होंने ये रोस्टेड चिकन है और ये चीज़ का चीज़ डाली हुई है और ये आपके आई थिंक ऑलिव वगैरह है कुछ खाते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, यहाँ पर चेक करते हैं इसका टेस्ट। अच्छा है माशाल्लाह, ये भी फुल लोडेड है ये, और बारबेक्यू अलबेक के नाम से। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा ब्रोस्ट भी हमने लिया था, और ये देखें माशाल्लाह फुल रेड सॉस इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देता है ये। ये हमने लगाया सॉस के साथ, बहुत बेहतरीन। रोस्ट में अलबेक टॉप पर है, दूसरा कोई नाम नहीं उसके अलावा। दोस्तों, ये हमने अलबेक का नगेट्स और रोस्ट वगैरह खाया, तो नगेट्स तो इनके ओवरऑल बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा हम खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैंने रोस्ट लिया है तो वो थोड़ा मुझे ड्राई लगा है, क्योंकि या तो शायद मैंने नगेट्स के साथ खाया है इस वजह से वो ड्राई लगा है, या है ही वो ड्राई। तो रोस्ट अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन नगेट्स ओवरऑल बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त, मतलब 10+10 कर दें आप उसको ना, तो ओवरऑल अच्छा रहा हमारा खाना। हाँ भाई अली भाई जी, क्या कहते हैं आज आपके दुबई आ गए, आपका कैसा रहा आज का दुबई मॉल और ये बुर्ज खलीफा वगैरह? बहुत ज़बरदस्त रहा, आज का पहला दिन था मेरा घूमने का, संडे का दिन था, छुट्टी थी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अलबेक कैसा लगा आपको? अलबेक भी बड़ा ज़बरदस्त। और बुर्ज खलीफा कैसा लगा? बुर्ज खलीफा भी बहुत मज़ा। बुर्ज खलीफा को देखते हैं तो वो देखते ही रहते हैं ऊपर।